हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि आरटीई महाराष्ट्र अब इसमें जो है आप सभी के लिए लॉटरी आउट हुई है, मींस रिजल्ट लॉटरी बोला जाता है उसको। तो वो जो है आपकी डिक्लेयर कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो कहाँ पे जाकर के चेक करनी होती है, वो सभी के जो प्रोसेस होंगे और जो स्टेप होंगे वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। सो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करनी होगी और वहाँ पर टाइप करनी होगी, यहाँ पर जो मैंने टाइप किया हुआ है। टाइप करने के बाद ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करनी होगी एंड लॉटरी आउट हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, लॉटरी रिजल्ट बोला जाता है, हैज बीन डिक्लेयर ऑन 5th अप्रैल 2022 इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन एडमिशन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज बाय द कॉमनली नोन एज आरटीई महाराष्ट्र एडमिशन। सो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर देखना है कि लॉटरी आउट हुई आपकी, लॉटरी रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन 5th अप्रैल 2022। क्लिक है टू चेक लॉटरी। तो चेक करने से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देनी होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करने होते हैं, आपको अपना फिल करनी है, नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्ट, कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी। ये फिल करने से क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको सारी के सारे डिटेल्स मिलेंगे आपको सबसे पहले। ओके, तो आपको क्या करना होता है, सिंपली यहाँ पर गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करनी है, जिससे ये होगा कि आपको आरटी महाराष्ट्र के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन मिलेगी। कट करना होता है और क्लिक हियर पे क्लिक करनी पड़ेगी लॉटरी के लिए। ये जब आप करते हैं तो आप यहाँ पर न्यू टैब में ओपन होंगे, राइट, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे प्रवेश पात्र, बालकांक्षा, पालकाना, अर्ज, जो भी यहाँ पर देख पा रहे हो लॉटरी, आपको चेक करने के लिए क्या करने होते हैं। तो ये रिजर्वेशन है, कुछ यहाँ पर डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेयर है, और यहाँ पर एप्लीकेशन वेब है। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में आई हुई है, आप देख पा रहे हैं कि अब क्या बताया गया है कि आपको, अच्छा यहाँ पर इंग्लिश करता हूँ, अच्छा वेटिंग करना होगा, स्टूडेंट वेटिंग, इट्स टोटली डिपेंड ऑन इंटरनेट, लॉटरी लाग ले लिया पालकांची लॉटरी। तो SMS प्राप्त होगा आपको, परंतु फक्त SMS पर अवलंबन। ओके, एक सेकेंड आप। सो प्रवेश पात्र बालकांचा पालकाना अर्ज करताना नोंदल्यावर मोबाईलवर SMS प्राप्त होईल, तो होतील, ओके, परंतु फक्त SMS वर अवलंबून न राहता RTE पोर्टलवरील अर्जानी स्थिती या टॅपवर अर्ज क्रमांक लिहून लॉटरी लागला अथवा नाही याची माहिती मिळेल। सो यू आप देख सकते हैं ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर SMS द्वारा आपको प्राप्त होगी, जो भी आपको सारी डिटेल्स होंगी, और यहाँ पर आप पढ़ ही सकते हैं कि आपको क्या बताएगा। तो ये जो सारी प्रोसेस तो इस तरीके से थी, आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर दे दी गई है, आगे का आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये लॉगिन के लॉटरी वगैरह सब यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपको अगर आप डाउट होता है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। So thank you so much for watching my video. Thank you.